हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKU डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ रुचि रावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी, छतरपुर, MP। आज का हमारा टॉपिक है भारत में गणित के विकास का वर्णन, जो BSc फर्स्ट ईयर के चैप्टर से लिया गया है, NEP से। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे आज के टॉपिक में क्या क्या है। तो हमारे टॉपिक में दिया गया है, हमारे देश में शुरू से ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा। ये बात हम सभी मानते हैं कि गणित का जो वैशिक है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वेदांग ज्योतिष में भी इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भी कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मन्यो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मुर्गनिम वर्तते। अर्थात जिस तरह मयूरों की शिखाओं पर सोने की मणियाँ शरीर में सर्वोपरि होती हैं, उसी तरह आपके वेदों में सब अंगों पर और शास्त्रों में भी गणित उसी तरह सर्वोपरि है। भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से होता है। इसको हमने 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो इसके दो 5 कालखंड हैं, जैसे फर्स्ट आपका आदिकाल है 500 ईसा पूर्व तक। आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को आपका 1000 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से है 500 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल के भी 2 भाग दिए गए हैं, सूर्य तथा वेदांग ज्योतिष काल और सूर्य प्रज्ञाप्ति काल। दूसरा आपका दिया गया है पूर्व मध्यकाल 500 से 400 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल या जिसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है 400 से 1200 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आपका फोर्थ दिया गया है उत्तर मध्यकाल 1200 से 1800 ईसा पूर्व तक। और फिर आता है आपका फिफ्थ नंबर में वर्तमान काल 1800 के पश्चात का। चलिए पढ़ते हैं हम आदिकाल के बारे में, जो 500 ईसा पूर्व तक का निर्धारण किया गया था। आदिकाल में सबसे पहले इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास का इसलिए महत्वपूर्ण भाग है ये, क्योंकि इस काल में सब अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित को विधिवत रूप से स्थापित किया जा चुका था। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक, इस काल में शून्य एवं दशमिक स्थान पद्धति का निर्धारण किया गया था। और शून्य एवं दशमिक पद्धति इस युग की सबसे बड़ी देन रही है। शून्य का आविष्कार कब तथा किसने किया ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन शून्य तथा दशमिक स्थान पद्धति का इसी मान से परिलक्षित ये हुआ है कि विश्व में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है। इसी के आविष्कार ने गणित तथा विज्ञान को एक नई राह दी है। इसके बाद हम देखते हैं दशमिक स्थान पद्धति भारत से अरब गई, अरब से पश्चिमी देशों में गई है। तो यहाँ पर अरब के लोगों ने 1 से 9 के अंकों को हिंदशा कहा और पश्चिमी देशों ने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों को न्यूमेरल्स कहा गया है, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में शूल तथा वेदांग ज्योतिष काल आता है। चूँकि शूल क्या होता है आपका, शूल वो रशि होती है जो यज्ञ वेदी हम बनाते हैं तो उसके मापन में काम में आती है, तो वहीं से आपके स्टार्ट हुआ था शूल। शूल सूत्रों में भी रेखा गणित का सूत्रों का विभाजन किया गया है, इसका विस्तार भी उपलब्ध है। इसमें 3 सूत्रकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फर्स्ट आपका बौधायन हुआ, फिर सेकेंड अगस्तायन और तीसरे आपके कात्यायन। इनके अलावा भी हमारे कई मुख्य प्रसिद्ध सूत्रकार हुए हैं, जिनमें से मैत्रायण हुए, बराह हुए, मानव हुए, बादुल भी हुए हैं। इनके शूल सूत्रों में बौधायन शूल सूत्र 500 ईसा पूर्व तक रहा है। इनका उदाहरण भी पेश किया गया था, जिसको हम आज प्रमेय के नाम से जानते हैं। उस प्रमेय को हम सभी लोग जानते हैं, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका सूर्य प्रज्ञाप्ति काल। गणित तथा ज्योतिष के विकास में जैनाचार्यों का भी इसमें विशेष योगदान रहा है। उनमें से तैशासिक हुए, आपके मिश्रानुपात हुए, लेखन पद्धति हुए, बीजगणित हुआ, विविध श्रेणियां इसमें विभाजित की गई हैं, क्रमचय, संचय, समुच्चय, इस तरीके के सिद्धांत, घातांक, लघुगणक नियम दिए गए थे। लघुगणक का आविष्कार भी अनुप्रयोग भारत में पहले से ही हो चुका था। इसके बाद आता है बौद्ध साहित्य में भी गणित को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें गणित को गणना एवं संख्यान 2 भागों में विभाजित किया गया है। संख्याओं का वर्णन भी 3 रूपों में विभाजित किया गया है, संख्ये, असंख्ये एवं अनंत में। फिर आता है आपका पूर्व मध्यकाल 500 से 400 ईसा पूर्व तक।
इस काल में लिखी गई जितनी भी आपकी पुस्तकें थी, जैसे कि बक्शाली गणित हुआ, सूर्य सिद्धांत हुआ, गणित के कुछ अनुप्रयोग भी रहे हैं। इनमें से कुछ आपके घट भी गए हैं पन्नों से, तथा मध्यकालीन युग में आपके आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि उपलब्ध साहित्य भी रहे। इस काल में गणित का विकास पर्याप्त रूप से हुआ तो था, लेकिन अनेक द्वार में स्थानांग सूत्र, आपके भगवती सूत्र, इस युग के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। इसके बाद बक्शाली गणित में अंक गणित की मूल संक्रियाएं दी गई, जैसे कि दशमिक अंक लेखन पद्धति, संख्याएं, भिन्न, परिकर्म, वर्ग, धन, ब्याज रीति आदि का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। स्थानांग सूत्र में 6 प्रकार के अनंत की सूत्र, अनियोग द्वार में 10 प्रकार के प्रमाण भी बात कही गई है। सूर्य सिद्धांत में वर्तमान त्रिकोणमिति का भी वर्णन किया गया है, जिसका सम्यक विवेचन भी हमारा ज्या, कोटिज्य आदि का मान दिया गया है। त्रिकोणमिति शब्द शुद्ध भारतीय, जिसको हम आज ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। इस काल में बीजगणित के विस्तार से क्रांतिकारी परिवर्तन भी बहुत हुए हैं। बक्शाली पांडुलिपि में इष्ट कर्म से एक या सौ के स्थान पर अव्यक्त राशि भी कल्पित की गई है। गणितज्ञों की मान्यता ये रही है कि ईस्ट कर्म में बीजगणित के विस्तार का स्रोत आदि और अनंत में रहा है। भारतीयों ने धन ऋण जो चिन्ह मात्र थे हमारे, धन और ऋण के प्लस और माइनस वाले जो चिन्ह मात्र थे, इनके भी उन्होंने नियम बनाए हैं, जैसे कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, इनके नियमों का विस्तार किया गया। अंक गणित की भांति बीजगणित भी बनाई गई। वहाँ के गणितज्ञ अलवारी जिन्होंने पुस्तक अलबज एक पुस्तक बनाई, अल मुकाबला में भारतीय बीजगणित का आधारित प्रतिपादन भी किया, जिसको आज हम अलवेज्रा के नाम से जानते हैं। मध्यकाल या स्वर्णकाल जिसको कहते हैं, ये 400 से 1200 ईसा पूर्व तक था। मध्यकाल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में प्रथम एवं द्वितीय ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य एवं महावीरचार्य जैसे कई आपके महान वैज्ञानिक या गणितज्ञ रहे हैं। वेदों में जो सिद्धांत और नियम प्रतिपादित हुए हैं, इस युग की सबसे बड़ी देन रही है। इसमें उत्तर मध्यकाल 1200 से 1800 ईसा पूर्व, भास्कराचार्य द्वितीय के बाद गणित के क्षेत्र में मौलिक कार्य ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन इस काल में प्राचीन ग्रंथों की टीकाएं रही हैं, जिसमें से गणितज्ञ नीलकंठ जो रहे हैं 1500 ईसा पूर्व में, इन्होंने ज्या आर का मान ज्ञात किया था। ज्या आर का मान है आपका आर माइनस आर की आर माइनस आर की पावर क्यूब ऑफ अपॉन 3 प्लस आर की पावर 5 ऑफ अपॉन 5 डेड डेस करके आपके इस तरीके से आते जाते हैं। इस सूत्र का उल्लेख मलयालम पांडुलेख मुक्ति भास में भी किया गया है, जिसे हम ग्रेवरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। नारायण पंडित जो 1356 ईस्वी में रहे, नीलकंठ 1587 ईस्वी में और कमलाकर 1608 ईस्वी में, सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी में नामक जो गणितज्ञ रहे हैं, इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे उत्तर मध्यकाल में। इसके बाद आता है आपका वर्तमान काल 1800 के पश्चात का। इस काल का आरंभ उत्तर मध्यकाल के बाद होता है। गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें गणित को नवीन दिशा दी गई। इस युग में श्री रामानुजन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। रामानुजन के अलावा इस युग में नरसिंह बापूदेव शास्त्री भी रहे हैं 1831 ईस्वी, कृष्ण तीर्थ महाराज 1864 से 1960 ईस्वी, सुधाकर द्विवेदी के नाम इस युग में महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि हम भारतीयों का शुक्र अदा करेंगे जो उन्होंने हमें गणित की खोज करके दी और हम इस गणित को अच्छे से जानने लगे हैं। थैंक यू।